हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स वेलकम टू जुमेटी स्कूल स्टूडेंट्स आज मैं आपको 800 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 20 कराऊंगा क्लियर मैं अब आप तक आपको 19 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं आपको पता है आपका एग्ज़ाम क्या है की डेट क्या है नाइन्थ जनवरी एक तो ये डेट आपको पता होगा दूसरा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के फॉर्म भरे जा रहे हैं आठ नवंबर से लेकर आठ दिसंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे और ये सीरीज राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के जो एंट्रेंस होता है नाइन्थ क्लास के लिए सोशल स्टडीज़ के सेक्शन उसमें भी बहुत हेल्पफुल होगी उसमें भी इक्वली इम्पोर्टेंट होगी ये सीरीज़ तो वो बच्चे भी इसको इससे अपनी तैयारी कर सकते हैं क्लियर और आपने अब तक नाइनटीन सेट्स अगर नहीं देखे तो उनको देख लीजिए क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है सारे क्वेश्चन एक साथ याद रखना बड़े मुश्किल हो जाएगा हाँ आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि ज्योमेट्री स्कूल ने मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कराने का डिसीजन लिया है आप उसके लिए इन कर लीजिए और जो इसमें इनरोल की लास्ट डेट है वो ट्वेंटी सिक्स नवंबर है उसके बाद आप इनरोल नहीं कर पाएंगे और ट्वेंटी एट नवंबर को आपका एग्ज़ाम होगा ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होगा इसमें आपको जो नंबर वन विनर है उसको प्राइज मिलेगा और वो कोई भी कोर्स हमारा फ्री अवेल कर सकता है प्रीमियम कोर्स और जो अदर टॉप टेन विनर होंगे उनको भी हैवी डिस्काउंट पर या तो कोर्स मिलेगा या उनको अदर प्राइजेज मिलेंगे क्लियर साथ में प्राइस तो चलो एक फैक्टर है ही साथ में आपको ये भी एक चांस मिलेगा कि आप ये चेक कर पाएंगे आपका लेवल क्या है ऑल ओवर इंडिया लेवल में आपका लेवल क्या है आपकी तैयारी कितनी बेटर है इस स्कॉलरशिप टेस्ट से सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो मैं यही मानता हूँ कि आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी में कहाँ कमी है कहाँ आपको इम्प्रूव करना है क्या आपका स्कोर रहने वाला है कितनी मेहनत करनी है अच्छी रैंक अचीव करने के लिए सैनिक स्कूल का जो एक्चुअल एग्ज़ाम होगा उसमें तो ये ये स्कॉलरशिप टेस्ट काफ़ी हद तक उस चीज़ को डिसाइड कर पाएगा चलिए आज का मैं जो टॉपिक कराऊंगा वो क्या है प्रेशर एंड विंड सिस्टम इस टॉपिक से बेस क्वेश्चन कराऊंगा ये ऑफिशियल सिलेबस है इसमें क्या क्या करा चुका हूँ मैं रिवोल्ट करा चुका हूँ फ्रीडम इम्पोर्टेंट करा चुका हूँ सोशल एंड कास्ट रिफॉर्म करा चुका हूँ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट करा चुका हूँ रोक साइकिल करा चुका हूँ साइकिल बाद में कराऊंगा मैं आज मैं कराऊंगा टॉपिक नंबर सेवन प्रेशर एंड विंड सिस्टम इस पे बेस मैं क्वेश्चन कराऊंगा क्लियर सारे टॉपिक कराऊंगा एग्जाम से पहले थर्टी एट लास्ट सीरियल नंबर है कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा सारे मैं क्वेश्चन सब पे बेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा एट हंड्रेड क्वेश्चन आपके सामने आएंगे आप बिल्कुल निश्चित होकर आप तैयारी करिए और देखिए अब मैं दिख, दिखाता हूँ जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से इस टॉपिक से इस तरह का क्वेश्चन आया था 2021 में क्वेश्चन आया था 20 में कोई क्वेश्चन नहीं आया 19 में कोई क्वेश्चन नहीं आया 18 में कोई क्वेश्चन नहीं आया लेकिन ट्वेंटी वन में इस टॉपिक से इक्वेशन आया था एयर प्रेशर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा फर्स्ट इंक्रीज दैन डिक्रीज क्या फर्क पड़ेगा एयर प्रेशर पर जब हाइट इंक्रीज होती है तो क्या होता है एयर प्रेशर डिक्रीज हो, हो जाता है जब हाइट इंक्रीज होती है तो एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है ऑप्शन टू इज द राइट चॉइस चलिए आज का क्वेश्चन नंबर वन करते हैं मिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एयर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता है तो कौन सा है बैरोमीटर क्लियर बैरोमीटर बैरोमीटर भी टू टाइप के होते हैं एक फोर्टीन बैरोमीटर एक एनीरॉयड बैरोमीटर क्या होते हैं ये देखिए आप ये दो टाइप के होंगे आपके इसमें यहाँ पे एक तो ये वाला होगा क्लियर ये तो कौन सा है एनिरड बैरोमीटर और दूसरे वाला कौन सा है फोर्टीन बैरोमीटर क्लियर एक एनोरोड बैरोमीटर है और एक आपका फोर्टीन बैरोमीटर है एनरोइड बैरोमीटर और फोर्टीन बैरोमीटर क्या होता है एनोरोड बैरोमीटर में क्या होता है ये तो होता है आपका मेटल एक्सपेंशन पे और ये होता है मरकरी पे

विद इनक्रीज इन एल्टीट्यूड बट इट डज नॉट ऑलवेज डिक्रीज ऐट द सेम रेट तो एयर प्रेशर क्या होता है इनक्रीज करता है एल्टीट्यूड uh, uh, में इंक्रीज के साथ या डिक्रीज करता है क्या करता है तो ये होता है डिक्रीज होता है एयर प्रेशर क्या होता है डिक्रीज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड बट इट डज नाट ऑलवेज डिक्रीज ऐट द सेम रेट और ऐसा नहीं है कि सेम रेट पर डिक्रीज होता है बट डिक्रीज होता है क्लियर यहाँ पे आपको ये ये थोड़ा सा चार्ट समझना ज़रूरी है देखो ये रेट आपको पता मुझे चाहिए डेटा जो मैं बता रहा हूँ जो एयर प्रेशर के डिक्रीज की रेट है ना वो है आपका थर्टी फोर एम बी एस मिली बार क्लियर मिली बार पर थ्री हंड्रेड मीटर्स तो एयर प्रेशर क्या होता है थ्री हंड्रेड मीटर की हाइट बढ़ने पर थर्टी फोर मिली बार में डिक्रीमेंट होता है अंडरस्टैंड ये डेटा आपको याद रखना है ये डेटा आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर चलिए नेक्स्ट इन हाउ हाई हाई माउंटेनियस राइस टेक मोर टाइम टू कुक बिकॉज रिड्यूस हाई माउंटेनियस रीजन है वहां पे जो राइस है उनको पकने में ज्यादा समय लगता है क्यों क्योंकि जो लो प्रेशर होता है ना लो प्रेशर वो क्या करता है बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है क्लियर वो रिड्यूस कर देता है बॉइलिंग पॉइंट को तो क्या आंसर बी इज द राइट चॉइस चलिए अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट चलिएबल फॉर वेरिएशन ऑफ इन द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रेशर का उन इनमें से उसमें जो uh, चेंज होता है उसमें कौन सा फैक्टर जरूरी नहीं है किस फैक्टर की वजह से हॉरिजॉन्टल प्रेशर में चेंज नहीं होता वेरिएशन नहीं होता टेम्परेचर से होता है अर्थ रोटेशन से होता है प्रजेंस ऑफ वाटर वेपर से होता है लेकिन मिनरल से नहीं होता मिनरल so से नहीं होता क्लियर जो एयर टेम टेम्परेचर देखो एयर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाता है रोटेशन रोटेशन इफेक्ट करता है वाटर वेपर से भी अपोजिट इफेक्ट पड़ता है ये भी आपको ध्यान रखना है तो राइट right चॉइस क्या है ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस प्लेनेटरी विंड्स आर विंडसो नोन एज प्लेटरी क्या बोला जाता है परमानेंट विंड्स भी उनको बोला जाता है परमानेंट विंड्स

तो इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं फेरल्स लो और को, को, कोरियोलोसिस इफेक्ट दोनों बोलते हैं कोरियोलोसिस इफेक्ट को ही फेर, फेरल्स लो बोलते हैं तो क्या हो गया ऑप्शन बी एंड सी आर हॉट एंड ड्राई विंड्स विच ब्लो वेरी स्ट्रोंगली ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन द मंथ ऑफ मे एंड जून तो ये लोकल विंड्स का क्या नाम है यहां से क्वेश्चन आता है मैं फोर से फाइव स्टार लगा रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आया टफ क्वेश्चन अगर आपको अटेंड करना है तो यहाँ से आएगा टफ क्वेश्चन तो कौन सी होती है जो लोकल हॉट एंड ड्राई विंड्स लोकल विंड्स होती हैं और ये इंडिया और पाकिस्तान में मे और जून में uh, ये करते ब्लो करती है तो कौन सी है लू क्या बोल जाते हैं लू आप गर्मी में देखें लू लू चलती है बहुत भयंकर बहुत गर्मी वाली लू होती है हो, गर्म होती है तो क्या बोला जाता है इसको लू चलिए ए इज द राइट चॉइस नेक्स्ट पे इज स्ट्रॉन्ग डस्टी ड्राई वार्म लोकल विंड्स विंड डेवलप्स ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द एल्प माउंटेन्स तो क्या है एल्प माउंटेंस भी डेवलप होती है तो उसको क्या बोला जाता है वो ये देखो लोकल विंड्स के नाम है इनको जरूर याद कर लो इनको क्या बोला जाता है फिर इसको इसको कहेंगे हम फोन क्या बोलेंगे फोन ठीक है फोैन के बारे में थोड़ा सा बताऊँगा चलो मैं विच अमंग द फोरंग लोकल विंडस आर नॉन है स्नो ईटर किसको कहा जाता है स्नो ईटर किसको स्नो ईटर कहा जाता है तो क्या है वो दी जा चिनूक क्या बोला जाता है चिनूक चिनोक क्या है स्नो ईटर्स है चिनोक के बारे में ये आप ध्यान रखना चिनोक इज द नेम ऑफ हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स विंड मूव्स डाउन द ईस्टर्न स्लोप द रोकीज रोकज माउंटेन जो है यू में और कैनेडा में वहाँ पर होती है तो आपको ये ध्यान रखना ये ये इम्पोर्टेंट है डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि चिनूक जो लोकल विंड्स है वो कहाँ पे पाई जाती है तो यूएसए एंड कैनेडा रोकीज माउंटेन रेंज में मिलती है ये क्लियर और इनको स्नो ईटर भी बोलते हैं चलिए नेक्स्ट पे विच ऑफ़ द फोलिंग इज द टाइप ऑफ लोकल कोल्ड विंड कौन सी लोकल कोल्ड विंड है तो ये और ये और ये ये सारी ड्राई विंड है लेकिन ये क्या है लोकल कोल्ड विंड ये ध्यान रखना है क्लियर मिस्टरऑल आर मोस्ट लोकल कोल्ड विंड दे ओरिजिनेट ऑन द एल्प ये भी ध्यान रखना एल्पीते एंड मूव ये एंड मूव फ्रांस टूआर्ड

तो क्या है ये हो गया आपका नन चिनुक्स आर सिमिलर टू चिनुक्स किसके सिमिलर है तो चिनुक किसके सिमिलर हो इनके क्लियर चलिए ए इज द राइट चॉइस आज का बर्निंग क्वेश्चन लीजिए बर्निंग क्वेश्चन बहुत अच्छा है राइट हॉट और कोल्ड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सी हॉट है कौन सी कोल्ड है इनके सामने आपको लिखना है इंपॉर्टेंट है आप इसको लिखिए चेक करिए इसको क्लियर ये क्वेश्चन आते हैं लोकल नेम से विंड के लोकल नेम से क्वेश्चन आते हैं ये इंपॉर्टेंट है जैसे आपका ग्रास लैंड से क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही यहाँ से क्वेश्चन आते हैं दोबारा से आपको याद दिलवा दूँ आप स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए रजिस्टर कर लीजिए आपका लेवल का पता चलेगा और आपको प्राइजेज भी मिलेंगे हमारे प्रीमियम कोर्सेज़ है अशोक कीर्ति और छोरिया इनको अवेल करिए हंड्रेड परसेंट हम गारंटी दे देंगे आप सैनिक स्कूल का एग्जाम करेक्ट कर पाएंगे अगर आपने हमारा कोर्स अच्छे से पढ़ लिया पूरी तैयारी के साथ सारी कोशिज वगैरह अगर आपने अटैम्प्ट कर लिए तो आपसे एग्जाम किसी भी सूरत में नहीं हो इंडिविजुअल कोर्सेज को भी अटे अवल कर सकते हैं ये हमारे वीडियो कोर्सेज़ है कौन सा पेश वीडियो टॉपिक वाइज कुछ ये सारी चीज़ें इसमें मिलती है पेन ड्राइव कोर्स भी आप ले सकते हैं प्रीमियम टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिए क्योंकि एट हंड्रेड क्वेश्चन आने वाले टॉपिक वाइज वन थाउजेंड क्वेश्चन आपको इंटेलिजेंस के मिलेंगे आरआईएमसी का करंट अफेयर्स आरएमएस सारे एग्जाम्स को हम लोग कवर करते हैं तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा जहां पे आपको सारे मटीरियल एक साथ मिल रहा वो भी एकदम स्टैंडर्ड और क्वालिटी कंटेंट के साथ फिर भी कोई डाउट है फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन इन नंबर पे कॉल करके आप वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक